नमस्कार, आप देख रहे हैं कृषि जागरण पावर्ड बाय स्टेल इंडिया और मैं हूं आपके साथ एकता। भारत के कृषि क्षेत्र में व्यापक सुधारों की जरूरत है। संसद में सोमवार को पेश 2023-24 की आर्थिक समीक्षा में ये बात कही गई है। दरअसल समीक्षा में ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर मुद्दों का हवाला दिया गया है जो देश की समग्र आर्थिक वृद्धि की राह में बाधा बन सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश समीक्षा में कृषि क्षेत्र के समक्ष कई प्रमुख चुनौतियों की पहचान की गई है, जिनमें खाद मुद्रा स्फीति को प्रबंधित करते हुए वृद्धि को बनाए रखने की आवश्यकता है, मूल्य खोज तंत्र में सुधार और भूमि विखंड की समस्या का समाधान शामिल है। इसी के साथ समीक्षा ये भी कहती है कि भारत के वृद्धि पथ पर अपनी केंद्रीय भूमिका के बावजूद कृषि क्षेत्र को संरचनात्मक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसका देश की आर्थिक वृद्धि पर भी प्रभाव पड़ सकता है। समीक्षा के अनुसार नीति निर्माताओं को किसानों को उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने और खाद कीमतों को स्वीकार्य सीमा के भीतर रखने के बीच एक उचित संतुलन बनाना बेहद ही जरूरी है। समीक्षा में कहा गया है कि इस दोहरे उद्देश्य के लिए सावधानी पूर्वक नीतिगत दखल की आवश्यकता है। बता दें कि मुख्य आर्थिक सलाहकार CEA वी आनंद नागेश्वरन ने इस रिपोर्ट को तैयार किया है। इसमें रेखांकित अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों में छिपे हुए बेरोजगारी को कम करने, फसल विविधीकरण को बढ़ाने और क्षेत्र में समग्र दक्षता को बढ़ाने की आवश्यकता शामिल है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए समीक्षा में बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने का भी सुझाव दिया गया है। इसी के साथ प्रमुख सुझावों में एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी का अपग्रेड, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में आधुनिक कौशल का अनुप्रयोग, एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अवसरों में वृद्धि, प्राइस स्टेबिलाइजेशन, खेती में नवाचार को अपनाना, उर्वरक, जल और अन्य सामग्रियों के उपयोग में वेस्टेज को कम करना और एग्रो इंडस्ट्री संबंधों में सुधार करना शामिल है। समीक्षा में कृषि परिदृश्य को बदलने में तकनीकी हस्तक्षेप और कौशल विकास के महत्व पर भी जोर दिया गया है। इसी के साथ इसमें इस क्षेत्र की स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरण अनुकूल प्रोसीजर की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया है। समीक्षा में कहा गया है कि पिछले दशक में सरकार द्वारा किए गए नीतिगत सुधारों में आने वाले वर्षों में सतत माध्यम से उच्च वृद्धि की नींव रखी है। समीक्षा के अनुसार साल 2047 या उससे अधिक तक की एक पीढ़ी के लिए वृद्धि को बनाए रखने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए या लोगों के जीवन को बेहतर बनाए और उनकी आकांक्षाओं को पूरा करें, नीचे से ऊपर की ओर सुधार आवश्यक है। लेकिन इन सब से हटकर 2023-24 के इस इकोनॉमिक सर्वे पर आपकी क्या राय है और इस बार के बजट से आपकी क्या उम्मीदें हैं, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ जाते जाते हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर से कर लीजिएगा ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक ही पहुंचे।